हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर प्रोडक्टिव। जैसे कि आपने स्टार्ट में देखा बिफोर एंड आफ्टर, तो आज हम यही सीखेंगे कि हम किस तरह रेंडर फोरेस से बिना वाटरमार्क के वीडियो को किस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसको हम अपने यूट्यूब चैनल और अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर में आ जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे रेंडर फॉरेस्ट, यहाँ पे पहली साइट आ जाएगी। उसके बाद साइन इन कर लेना है। तो मैं लॉगिन हो चुका हूँ और अब हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको ये दिखाता है वीडियो, वेबसाइट, लोगो और ग्राफिक वगैरह। तो आपने हमने वीडियो बनानी है तो हम वीडियो पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे टेम्पलेट्स, जो आपको अच्छा लगे आपने वो बनाना है। तो हम सिंपली कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि ये हम क्लीन लाइन स्टाइल लोगो को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ये आपको दिखाएगा, तो आपने परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल है। ये योर लोगो हेयर जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। आपने सिंपली अपलोड फाइल में चले जाना है, अपलोड में। तो जहाँ पे अपलोड में आएंगे तो आप सिंपली यहाँ से आपने अपना लोगो ले लेना। मैं मिस्टर प्रोडक्टिव का लोगो ले लेता हूँ और ये आगे लोग यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, मैक्सिमम आप साइज़ कर दें ताकि इस बॉक्स पर पूरा आ जाए। और यहाँ पे आप इसकी कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, इसको फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। तो मैं नहीं लगाना चाहूँगा इसको फिल्टर, तो हम डन पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा लोगो यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे आपके ब्रांड का नेम होगा फर्स्ट पे, तो मेरा चैनल मिस्टर प्रोडक्टिव के नाम से है, मैं यहाँ पे मिस्टर प्रोडक्टिव लिखूंगा और सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देंगे। और टैगलाइन हेयर पे हम लिख देंगे। यहाँ पे आप अपनी टैगलाइन लिख सकते हैं, कुछ भी आप क्या स्लोगन वगैरह होते हैं आप वहाँ पे लिख सकते हैं, पर मैं नहीं लिखना चाहूँगा। तो मैं इसको, अगर आप स्पेस दबाएंगे दो बार तो आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली प्रीव्यू में आके फास्ट प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। बाकी सारे आप देख सकते हैं HD क्वालिटी, वो आपको पेड करना पड़ेगा। तो हमने फ्री लेना है तो हम फास्ट प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे भी हम फास्ट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेसिंग करेगा कुछ, तो आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो हमारी वीडियो क्रिएट हो चुकी है, तो हमने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास IDM है तो आप सिंपली IDM से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास IDM नहीं है और यहाँ पे आप देखेंगे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, तो अगर यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है तो आपने डाउनलोड कर लेनी है। अगर ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट में आ जाना है। इंस्पेक्ट में आने के बाद आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट एज HTML पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये लिखा हुआ है नो डाउनलोड, तो आपने यहाँ पे ओ के बाद प्रेस करना है और नो को आपने बैक स्पेस कर देना है। बैक स्पेस करने के बाद आप यहाँ पे क्लोज पे दबाएंगे और अब आप देखिएगा कि हमारा डाउनलोड बटन आ चुका है। तो आपने सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे आप पावर सॉफ्ट, ये नीचे वाटरमार्क रिमूवर ऑनलाइन, अब पावर सॉफ्ट वाटरमार्क रिमूवर ऑनलाइन आपने सर्च कर लेना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट साइट आपके सामने आ जाएगी, आपने इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे होंगे, एक वाटरमार्क रिमूवर फ्रॉम इमेज है और रिमूव वाटरमार्क फ्रॉम वीडियो। तो हमने वीडियो से रिमूव करना है तो हम वीडियो पर क्लिक करेंगे। तो वीडियो पर क्लिक करने के बाद हमने अपनी वीडियो को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेना है जो हमने रेंडर फॉरेस्ट से क्रिएट किया। तो मैं यहाँ पर सिंपली वीडियो को इम्पोर्ट कर लेता हूँ और ये थोड़ा सा टाइम लेगी और उसके बाद ये आपको प्रीव्यू दिखा देगी। ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है इसको आपने अपने लोगो के ऊपर लेके आना है, इसको आपने सेट कर लेना है अपने हिसाब से, लोगो के हिसाब से। ये मैंने लोगो के ऊपर सेट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो इरेज का ऑप्शन होगा, इरेज पे आप चले जाएंगे और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारी वीडियो को कम्प्लीट कर देगा। अब इसने वीडियो को कम्प्लीट कर लिया है तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कम्प्लीटेड डाउनलोड फाइल, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये फाइल हमारी जो है डाउनलोड हो जाएगी। गाइस मैं आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देता हूँ इसका, कि हमारा वाटरमार्क जो है वो रिमूव हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटरमार्क नहीं है, वाटरमार्क रिमूव हो चुका है।